जय भवानी। नमस्कार, मैं कवि अभयकांत सिंह और कृष्ण बच्चन फ्रॉम बिहार। आज माता निर्मल कौर फाउंडेशन में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ और एक अपने कविता के जरिए प्रस्तुत हूँ। कविता महिला आरक्षण पर है, तो लीजिए कविता आपके सामने प्रस्तुत है। महिला आरक्षण। महिला है सृष्टि की संचालक, महिलाओं को कुछ विशेष अधिकार दिलाना है कि महिला है सृष्टि की संचालक, महिलाओं को कुछ विशेष अधिकार दिलाना है कि पुरुषों के समान महिलाओं को भी अब बराबरी पर लाना है कि पुरुषों के समान महिलाओं को भी अब बराबरी पर लाना है। महिला है माता, महिला है बहन कि महिला है माता, महिला है बहन, महिलाओं को आगे बढ़ाना है कि महिला है माता, महिला है बहन, महिलाओं को आगे बढ़ाना है। हे दुनिया कितनी खूबसूरत, घर से बाहर लाकर उन्हें भी दिखाना है कि हे दुनिया कितनी खूबसूरत, घर से बाहर लाकर उन्हें भी दिखाना है। महिला पुरुषों में हो रही भेदभाव को अब हमें मिटाना है कि महिला पुरुषों में हो रही भेदभाव को अब हमें मिटाना है। महिला आरक्षण के जरिए महिलाओं को संग लेकर कि महिला आरक्षण के जरिए महिलाओं को संग लेकर अब एक साथ कदम से कदम मिलाना है कि अब एक साथ कदम से कदम मिलाना है। महिला है दुर्गा, महिला है चंडी कि महिला है दुर्गा, महिला है चंडी, हर महिला बन सकती है झांसी की रानी, यह बात हमें बतलाना है कि महिला है दुर्गा, महिला है चंडी, हर महिला बन सकती है झांसी की रानी, यह बात हमें बतलाना है। आरक्षण दिया जाए महिलाओं को आगे आने के लिए कि आरक्षण दिया जाए महिलाओं को आगे आने के लिए, हर महिलाओं को योग्यता दीदी जैसा निडर बनाना है, हर महिलाओं को योग्यता दीदी जैसा निडर बनाना है। पुरुषों से कम महिलाएं नहीं, यह बात प्रमाणित कर कर दिखलाना है कि पुरुषों से कम महिलाएं नहीं, यह बात प्रमाणित कर कर दिखलाना है। महिलाएं केवल घरों के काम काज के लिए नहीं बनी कि महिलाएं केवल घरों के काम काज के लिए नहीं बनी, महिलाओं को समाज में बराबरी पर लाना है कि महिलाओं को समाज में बराबरी पर लाना है। युगों युगों से होती आ रही शोषण महिलाओं पर कि युगों युगों से होती आ रही शोषण महिलाओं पर अब शोषण के विरुद्ध आवाज उठाना है कि माता निर्मल कौर फाउंडेशन के संग मिलकर कि माता निर्मल कौर फाउंडेशन के संग मिलकर महिलाओं को आगे बढ़ाना है कि महिलाओं को आगे बढ़ाना है। महिलाएं लड़ सकती है हर मुश्किल से कि महिलाएं लड़ सकती है हर मुश्किल से, अब आगे आकर लड़ कर दिखलाना है कि महिलाएं लड़ सकती है हर मुश्किल से, अब आगे आकर लड़ कर दिखलाना है। एक मौका दिया जाए मातृशक्ति को आगे आने का कि एक मौका दिया जाए मातृशक्ति को आगे आने का, महिला आरक्षण के जरिए मातृशक्तियों को जिताना है कि महिला आरक्षण के जरिए मातृशक्तियों को जिताना है। जय भवानी। धन्यवाद।